आज हम बनाते हैं स्वादिष्ट दाल तड़का मुंशी पन्ना मसाले के साथ। एक पैन में एक कप भिगोई हुई अरहर की दाल को डालें। अब इसमें आधा कप भिगोई हुई चना दाल और दो बड़े चम्मच भिगोई हुई पीली मूंग की दाल डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी डालकर मिला लें और ढककर दाल पकने तक पका लें। एक दूसरे पैन में दो बड़े चम्मच तेल को गरम कर लें। अब इसमें एक छोटा चम्मच सरसों के दाने, एक छोटा चम्मच जीरा और दो सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा लें। अब इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, दो छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालकर एक दो मिनट तक भून लें। अब इसमें एक चौथाई कप कटी हुई प्याज को डालकर दो तीन मिनट तक भून लें। पैन में एक चौथाई कप कटे हुए टमाटर को डालें और अच्छे से भून लें। तड़के को दाल के ऊपर डालें और अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच मुंशी पन्ना दाल साग का मसाला डालकर अच्छे से मिला लें और दो तीन मिनट तक पका लें। अब एक बड़ा चम्मच घी डालकर अच्छे से मिला लें। दाल तड़के को धनिया पत्ती से गार्निश करके जीरा राइस के साथ गर्मा गर्म परोसें। स्वादिष्ट दाल तड़का तैयार है।